हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखंड के ग्राम लारा में हिरालाल सोरेन आज 4 साल विकलांग है। पेड़ पर चढ़े हुए थे, लकड़ी काटने की चलती उसी में हम गिर गए पेड़ से। गिरने के बाद ही हमको ऐसी हो गया। उनको आसपास का वातावरण में घूमने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। लकड़ी के सहारे खड़े हो पाते हैं कभी कभार। ये सदर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हमको बोला कि यहाँ ठीक होने वाला नहीं है, यहाँ से रांची चल जाओ। तो रांची में रहे कि करीब 3 महीना 10 दिन। उसके बाद डॉक्टर बोला कि अब छुट्टी हो गया कि जाओ घर। सर्टिफिकेट नहीं मिला? सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिला। एक्सरे वगैरह कागज हुआ था, वो कागज भी रख लिए, नहीं दिया वो भी। फिर हम बोले काहे नहीं दिए कि हम ले जाएंगे, हमको दे दीजिए। बोले नहीं, फिर दोबारा आना पड़ेगा। हम उसको बोले हम गरीब आदमी हैं, फिर दोबारा कैसे आ सकते हैं यहाँ। इसके बाद से घर ही पड़े हैं, से पड़े हैं। आंगन में उनको बैठने के लिए जगह बना दिए हैं, सिर्फ घर और आंगन तक ही सीमित रहते हैं। सरकार सबको सुविधा दे रहा है, लंगड़ा विकलांग लोग को, लेकिन हमको कुछ नहीं हो रहा है और ना हमको मिल रहा है। घर में अकेले हैं आप कमाने के लिए? हाँ, घर में तो हम अकेले हैं। लड़का बच्चा सब है लेकिन छोटा है अभी। परिवार किसी तरह से अपना ही लोग कमा रहे हैं, इधर उधर मार मजदूरी कर रहे हैं, इधर उसी तरह से किसी तरह घर दुआर चल रहा है। तो आप अभी क्या चाहते हैं? हम सोचते हैं कि जैसे मिलता है सबको विकलांग लोग को, इसी तरह से हमको भी साइकिल वगैरह मिल जाता घूमने के लिए इधर उधर मर मैदान के लिए, तो अच्छा ही रहता। आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं अपील करती हूँ कि हीरालाल को प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील खाखा का मोबाइल नंबर 8809240176 में कॉल करके उसकी मदद करें, ताकि उनको विकलांग पेंशन एवं साइकिल जल्द उपलब्ध हो जाए। मैं मंजू किस्कू, हजारीबाग जिला, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।